दायरागंज थाना क्षेत्र के कच्ची सड़क मोहल्ले में शनिवार सुबह आटा चक्की के कारखाने में लोहे की रॉड से प्रहार कर एक महिला को मौत के घाट उतार देने की घटना सामने आई है। महिला के पति ने ही उसकी हत्या की बात मान ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी डिप्रेशन का शिकार है। वैसे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दारागंज कच्ची सड़क निवासी रश्मि यादव उम्र 45 वर्ष और बलश्याम यादव के दो बेटी और एक बेटा है। शुक्रवार की शाम परिवार के लोग घर के प्रथम तल पर सो गए। शनिवार सुबह बच्चे जब सोकर सुबह उठे तो माँ को खोजने लगे। जानकारी होते ही अन्य लोग भी उसे खोजने लगे तो वो नीचे कमरे में खून से लथपथ मृत मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान बलश्याम यादव ने मान लिया है कि उसी ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस का कहना है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो भागा नहीं। परिवार के सदस्यों को बताया कि उसने ही अपनी पत्नी को मार दिया है।